हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनव और आज हम आए हैं यामा के शोरूम में। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, ये मंगलम मोटर्स ने ये हमें बाइक प्रोवाइड कराई है। ये शोरूम दादरी में है, ग्रेटर नोएडा के, और आप ये बोर्ड देख सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बाइक देखते हैं। ये है यामा की तरफ से नई पेशकश। अगर आप थोड़े से ऑफ रोड जाना चाहते हैं और आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप इस बाइक को देख सकते हैं। इसमें 150 cc का इंजन है और बाइक है यामा की FZX। लुक जो इस बाइक का दिया हुआ है काफ़ी आलीशान लुक है, काफ़ी प्यारा लुक दिया हुआ है। तो इसके स्पेक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ओवरऑल इस बाइक को दिखा दूँ कि बाइक दिखती कैसी है। तो कुछ ऐसी ये बाइक है, काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं इस बाइक में, आप देख सकते हैं। तो अगर बात करें फ्रंट प्रोफाइल की तो कुछ ऐसी है, ये चीज़ आप देख रहे हैं। तो ये मेटल का दिया हुआ है, आप सुन सकते हैं आवाज़, जो कि जनरली फाइबर होता है। तो ये ऑफ रोडिंग के लिए आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे आप ABS की बैजिंग देख सकते हैं। नीचे तरफ आएँ तो ये आपको 180/17 के टायर मिल जाएंगे, MRF के टायर हैं। आप यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हैं, ये डिस्क है, और यहाँ पे बाइब्रे के कैलिबर्स दिए हुए हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग होती है बाइब्रे की। और यहाँ पे आप ABS की रिंग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ बात आए तो यहाँ पे आपको एक सॉकर्स पे कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि अगेन जब रास्ते ख़राब होते हैं उस टाइम पर ये चीज़ जो है सॉकर्स को मेंटेन करती हैं, सॉकर्स प्रॉपर अपना काम करते हैं। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की हाउसिंग आ जाएगी। ये है इसकी मेन हेडलाइट यूनिट, तो ये आपका DRL हो गया। और ये है इसकी हेडलाइट, जो कि अगेन प्रोजेक्टर LED है, और इसके थ्रोस काफ़ी अच्छे हैं। एक चीज़ जो है इस बाइक की जो मुझे पसंद नहीं आई वो है इसके इंडिकेटर। एक तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, दूसरी ये बल्ब है। अगर ये LED इंडिकेटर होते तो काफ़ी सही होता। यहाँ पर आपको कोई विंडशील्ड नहीं मिलती है। अगेन आप एसेसरीज में लगवाना चाहे तो मे भी हो सकता है कि आपको एसेसरीज में कोई विंडशील्ड यहाँ पे आपकी लग जाए। फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई आपको यहाँ पे विंडशील्ड नहीं दी जा रही है। अगेन ये आप ये इसके सॉकर्स हो गए। यहाँ की बनावट कुछ इस तरीके से दी गई है, आप देख सकते हैं। जैसे आपके साइड से जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बाइक लिक्विड कूल है या फिर ऑयल कूल है, लेकिन अगेन आइए देखिए यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। ये बाइक एयर कूल्ड है, प्रॉपर एयर कूल्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन ये चीज़ जो है मेटल की दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, जो कि अगेन ये चीज़ जो है आमतौर पर ये चीज़ आपने अदर ब्रांड्स की बाइकों में देखा होगा, ये फाइबर होता है, तो ये चीज़ मेटल है। तो ये सोच के इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है कि आप ऑफ रोडिंग इसलिए कर सकते हैं और ले जा सकते हैं। कुछ इस साइड का व्यू है, कुछ ऐसा है। BS6 है, जाहिर सी बात है, पहले BS4 में बाइक थी नहीं, BS6 में लॉन्च हुई है फर्स्ट टाइम। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैटलेटिक कन्वर्टर, ये सब उसके सेंसर्स आप देख सकते हैं। अगर इंजन स्पेक्स की बात करें तो ये सेम इंजन है जो आप यामा की FZS में देखते आए हैं। इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये वही सेम इंजन है। इसमें 12.4 PS की पावर और 13.3 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। हालाँकि अपने सेगमेंट के हिसाब से ये बेस्ट नहीं है, लेकिन गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये अपना काम प्रॉपर करते हैं। इनिशियल पिकअप इस गाड़ी का काफ़ी शानदार है, जैसा कि हमेशा से यामा की गाड़ियों में होता आया है। और अपना ये काम, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी में पावर की कमी है नॉर्मल रोड एंड कंडीशंस पे। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं सिंगल गियर का सिस्टम आप यहाँ पर दिया जाता है, ये फुटरेस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यामा की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, FZX की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। टैंक के ऊपर अगर देखें तो अगेन यहाँ पर फाइबर दिया गया है, टैंक मेटल का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल का यूज़ किया गया है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा एक लुक दे देता है इस बाइक को। अगर की बात करें नॉर्मली की यहाँ पर लगती है बाइकों में, अगर इसकी की जो है यहाँ पे लगाई जाती है, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का, आप देख सकते हैं। अगेन ये
यूएसबी नहीं है, यूएसबी होता तो काफ़ी अच्छा होता। पीछे की बात करें तो ये आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर एक सारी गार्ड वगैरह देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे कोई, तो अगर आप लगवाना चाहें तो मे बी शायद लग जाए, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओपन चैन सिस्टम मिलता है आपको, तो आप जो है इसको हर 300-400 किलोमीटर पर क्लीन करना पड़ेगा। साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगेन पीछे की तरफ बात करें तो आपको MRF के टायर देखने को मिलते हैं, और इनकी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये है 140-60-17 इंच के ये व्हील हैं, और कुछ ऐसा है ये आपका टायर अगर हो गया, और ये आपके सॉकर्स होके जो कि एडजस्टेबल हैं, और इनकी ठीक है, मतलब इनके कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। आप देखिए तो अगर हम बैक प्रोफाइल से बात करें, ये टायर अगर हो गया, ये आपके रिफ्लेक्टर्स हो गए, और ये अगेन ये बल्ब भी इंडिकेटर है जो कि मुझे पसंद नहीं आए। ऊपर से फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते ये हिल रहा है यहाँ से, ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगेन आप ये ग्रैब हैंडल देख रहे हो, यहाँ पर अगेन ये जो है स्टील का अच्छा ग्रैब हैंडल दिया गया है, कोई शो नहीं किया गया है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग की जो बाइक को बनाया गया है तो कुछ ऐसा ग्रैब हैंडल मिलता है। पीछे की बात करें तो पीछे आपको ये आपका रिफ्लेक्टर हो गए, और ये आपकी बैक लाइट होगी जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी है ये लाइटिंग, ये आपका रिफ्लेक्टर हो गया, ये आपके LED बैक लाइट हो गई, ये कुछ ऐसा लुक आता है। कुछ ब्रेक पैडल्स के बाद ऐसा लुक आता है इस बाइक का। अभी बात करते हैं बाइक के फ्रंट कंसोल की, DRL जब चलते हैं तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है, और रात में काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हेडलाइट यूनिट की बात करें, कुछ ऐसी प्रोजेक्टर LED हेडलाइट है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाई बीम है, ये लो बीम है, तो कुछ ऐसी इसकी हेडलाइट यूनिट है। कुछ ऐसा साइलेंसर आप देख सकते हैं, काफ़ी बेसिक साइलेंसर है, इसका आवाज़ अभी हम सुनेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन कोई रबर फील नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे रबराइज फील होना चाहिए, इससे आपकी ग्रिप लेवल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क है, और अगेन आपके निसन के कैलिबर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो अगेन जिसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। पीछे कोई आपको ABS की रिंग नहीं दिखाई देती है, और ये आपके ब्रेक ऑयल हो गया, तो कुछ ऐसी इस बाइक का और लुक है। आइए इस बाइक की साउंड एक बार सुन के देखते हैं, एग्जॉस्ट नोट कैसा है इस बाइक का। तो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आप ऐसा एग्जॉस्ट नोट है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मिडल कंसोल की, तो कुछ ऐसा मिडल कंसोल है, RFM मिल जाता है आपको, कॉल FM, फ़ोन की बैटरी आपकी इंडिकेशन होता रहेगा, आपके कॉल और मैसेज की नोटिफिकेशन आपको इसमें मिल जाएगी, ये आपका RPM हो गया एक किलोमीटर, और उसके बाद आपको ट्रिप ऑटो ट्रिप टू ट्रिप एफ जैसे फीचर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका ये फ्यूल लेवल हो गया, अगेन आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच सेल्फ स्टार्ट, और यहाँ पे आपके लाइट लेवलिंग पास अप डाउन इंडिकेटर और हॉर्न, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आइए एक बार RPM चेक करते हैं इसमें, बाइक का ओवरऑल लुक। तो ये था आज का डिटेल्ड वीडियो यामा FZX का, तो आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने और सुरक्षित चलिए।